नमस्कार दोस्तों, मेमोरी मास्टरी एंड स्टूडेंट एनएलपी की इस वीडियो सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम समझेंगे वो समझेंगे कि ह्यूमन माइंड कैसे चीजों को लर्न करता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मिलके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से पता किया है कि जो भी हम लर्न करते हैं, जो भी चाहे हम कुछ भी ह्यूमन माइंड याद रखता है, तो वो तीन ही फॉर्म में याद रखता है, या तो विजुअल फॉर्म में याद रखता है, या ऑडिटरी में, या कैनेस्थेटिक में। इनको सरल भाषा में हम समझें तो हमारी जो मेमोरी जनरेट होती है ब्रेन के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, वो विजुअल मतलब पिक्चर वाली मेमोरी हो सकती है, या तो हमारा ब्रेन पिक्चर की फॉर्म में चीजों को सेव करता है, या फिर ऑडियो की फॉर्म में सेव करता है, या फिर काइनेस्थेटिक मतलब फीलिंग की फॉर्म में सेव करता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम किसी भी कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे जैसे आपने एमएस एक्सेल खोल रखा है, पावर पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं, वर्ड पे, पेंट पे, या किसी भी अन्य एप्लीकेशन पे, तो आप यदि आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं, जो भी हम उसमें डाटा सेव करते हैं तो कंप्यूटर उसे अपनी लैंग्वेज में सेव करता है। मतलब क्या है कि कंप्यूटर उसे 10 की लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, वो बाइनरी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता है, तब जाके कोई भी चीज कंप्यूटर में सेव होती है। ठीक ऐसे ही ह्यूमन माइंड है। जैसे हम चाहे कुछ भी लर्न करें, चाहे वो क्वेश्चंस हो, किसी का नाम याद रखना हो, किसी प्लेस का नाम याद रखना हो, किसी भी चीज को याद रखना हो, तो हमारा जो हमारे ब्रेन का जो स्टाइल बनेगा, वो तीन ही स्टाइल से हमारा ब्रेन उसको सेव करेगा। या तो किस कई चीज पिक्चर के रूप में सेव करेगा, या साउंड के रूप में सेव करेगा, या फीलिंग के रूप में सेव करेगा। हर एक ह्यूमन की अलग अलग वे से ये डोमिनेट करता है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे हम पता चला करें कि हमारी मेमोरी की टाइप क्या है। हमारी मेमोरी विजुअल टाइप की है, ऑडिटरी टाइप की है, या काइनेस्थेटिक टाइप की है। तो आइए मैं इसमें आपकी हेल्प करता हूं। जिस भी व्यक्ति की विजुअल मेमोरी होती है, जब भी हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है 5th स्टैंडर्ड का, मैं जानना चाहता हूं कि उसकी मेमोरी विजुअल है, ऑडिटरी है, या काइनेस्थेटिक है, तो मैं कैसे पूछूंगा उनसे कोई भी क्वेश्चंस, मैं रैंडमली ऐसा क्वेश्चन जिससे उसके ब्रेन को सोचना पड़े, उसके माइंड को सोचना पड़े, ताकि उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हों और हम उनको जज करके हम बता सकते हैं कि इसकी मेमोरी क्या है। जैसे मैंने उससे पूछा कि 8 की टेबल, मैं उससे पूछ रहा हूं कि 8 की टेबल मैं सुन लूं उससे, या मैं उससे पूछूं 8 6 जा क्या होता है। यदि उसकी आईज ब्रोज अप जाती हैं, जैसे 8 6 जा होता है 48, यदि मेरी ये बताते वक्त मेरी उस या उस स्टूडेंट की जो आईज ब्रोज हैं ऊपर की तरफ जाती हैं, तो उसके इसका अर्थ उसकी मेमोरी क्या है, विजुअल है। मतलब क्या है कि उससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने 2 दिन पहले डिनर में क्या खाया था, तो वो जैसे ही वो इमीडिएटली अपने ब्रेन पे जोर डालता है कि मैंने क्या खाया था, याद करने की कोशिश करता है, तो उसकी जो आईज ब्रोज हैं वो किस साइड देखेगा, ऊपर की साइड देखेगा ऐसे। तो इसका अर्थ क्या है कि उसकी मेमोरी विजुअल है। आपने बहुत बार देखा होगा किसी स्टूडेंट से टीचर क्वेश्चंस पूछता है, उसका आंसर जानना चाहती है, तो वो क्या है कि बच्चे ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, विजुअल मेमोरी है उनकी। और टीचर कई बार मजाक में कहती भी, क्या दीवारों पर लिखा है या ऊपर लिखा हुआ है जिससे आप देख के बताओगे, तो उससे हमें पता चलता है कि उसकी मेमोरी विजुअल है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम पहचाने कि किसी स्टूडेंट की मेमोरी ऑडिटरी है। तो ऑडिटरी के लिए क्या है कि एक तो वो व्यक्ति क्या है, उसकी जो टोनैलिटी होगी वो अच्छी खास, मतलब क्या है कि टोनैलिटी हैवी होगी। दूसरा, वो क्वेश्चंस को खुद अपने आप में ही रिपीट करेगा। यदि मैं एग्जांपल लूं उसी टेबल का, जैसे 8 6 जब मैंने पूछा था 48 होता है, तो वो स्टूडेंट क्या है कि जैसे मैंने ऑडिटरी वाले स्टूडेंट से जब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो अपने क्वेश्चन को रिपीट करेगा। जैसे वो मैंने पूछा 8 6 कितना होता है, तो वो पूछेगा 8 6 48। तो अपने ही क्वेश्चंस को वो रिपीट करता है, तो उसका ब्रेन मेमोरी को वो चीजों को रिमाइंड कर पाता है। तो ऑडिटरी को आप आसानी से पहचान सकते हैं, जो अपनी ही बातों को रिपीट करे, अपने ही क्वेश्चंस को रिपीट करे, वो हमारा और इनकी टोनैलिटी ज्यादा है, क्या है कि इतनी विजुअल के मुकाबले इतनी हैवी नहीं होती। और तीसरी जो टाइप है मेमोरी की है, वो है कैनेस्थेटिक। कैनेस्थेटिक क्या है, इनकी टोनलिटी बहुत धीमी होती है, और ये क्या है, ये चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ये टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखते हैं, इनकी जो ब्रीदिंग है स्लो ब्रीदिंग होती है, और इनको चीजें बहुत ज्यादा फील होती हैं। यदि उनको कोई डांट देता है, टीचर, फ्रेंड्स, या किसी के साथ इनका झगड़ा हो जाता है, तो इनको उस चीज की जो इफेक्ट है काफी देर तक रहता है, या काफी दिनों तक रहता है, कई बार कई सालों तक रहता है।
तो आप इजीली इस टाइप की आपकी लर्निंग मोड क्या है आप इजीली पहचान सकते हो। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है, अब आपको अपने साइकोलॉजिकल नेचर पता चल गया होगा कि आपकी मेमोरी की टाइप क्या है, अब हमें उसको लर्निंग स्टडी अपनी स्टडी उससे कैसे इजी करनी है, आइए इसको समझते हैं। यदि एक मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक विजुअल स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, एक काइनेस्थेटिक लर्नर को कैसे पढ़ना चाहिए, एक ऑडिटरी लर्नर को कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। यदि एज ए टीचर आप उस बच्चे को पता चल जाता है कि आपको उस बच्चे की मेमोरी उसकी मेमोरी विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, तो आप उसको कैसे पढ़ाएंगे। और दूसरा मैंने कॉलन लिया है कि स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट वो अपनी कैसे वो पढ़े, तो पहले एज ए टीचर को के कंसेप्ट से इसे समझते हैं। यदि आपको पता चल जाए कि आपके स्टूडेंट की जो मेमोरी है वो विजुअल है, तो आप क्या करेंगे, उसे रिटन में इंस्ट्रक्शंस देंगे। आप उसे यदि वो मतलब क्या है कि टीचर उसे कोशिश करे कि उसे वीडियो दिखाए अपने उस सिलेबस की, तो वो ज्यादा लर्न कर पाएगा। यदि हम बात करते हैं ऑडिटरी मेमोरी की, तो ऑडिटरी तो एक्सप्लेनेशन वर्बली ऑडिटरी जिन स्टूडेंट्स की मेमोरी ऑडिटरी होती है, तो टीचर उनके सामने अच्छे से एक्सप्लेन करे चीजों को, वर्बली एक्सप्लेन करे, तो उनका ब्रेन उन चीजों को अच्छे से समझ पाएगा। यदि काइनेस्थेटिक वाले व्यक्ति को हम टीचर समझाना चाहे, तो डेमोन्स्ट्रेट देना पड़ेगा, एग्जाम्पल से उसे समझाना पड़ेगा। आपकी मेमोरी मिक्स भी हो सकती है। तो अब हम समझते हैं कि एज ए स्टूडेंट हमें नई चीजें सीखनी हो, नया कुछ भी लर्न करना हो, तो हम कैसे हमारा ब्रेन उस चीज को सेव करेगा, तो उसके लिए आइए इसको समझते हैं। जिसकी मेमोरी विजुअल मेमोरी है उसको क्या करना चाहिए, उसको वॉच व्हाट द टीचर इज डूइंग। जब टीचर सपोज करो आपका पीरियड मैथ का पीरियड चल रहा है, तो आपको बोर्ड पे विशेष ध्यान, मतलब टीचर क्या कर रहा है उस पे आपको फोकस करना है, आपका ब्रेन देखने से सीखेगा। तो आप जब भी क्लासरूम में बैठे, आपके कंधे सीधे हों, ब्रीदिंग आपकी कोशिश करें कि लंबी गहरी सांसें लें, और जो टीचर पढ़ा रहा है आपको उस पे फोकस करना है। यदि आप उसे देखते हैं अच्छे से, तो आपका ब्रेन उस चीज को लंबे टर्म तक सेव रख पाएगा आपके ब्रेन में। ऑडिटरी वाले टॉक थ्रू विद द टीचर, टीचर के साथ उसे बातचीत करनी चाहिए टॉपिक को लेकर, जितना वो ग्रुप डिस्कशन करेगा टॉपिक को लेकर, या उसको क्वेश्चंस लर्न नहीं हो पा रहे हैं तो वो अपने क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे वो सॉन्ग सुनता है तो उसे अच्छा लगता है, ऐसे ही वो अपने अपने क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर सकता है, जो क्वेश्चन जिस भी सब्जेक्ट के उसे लर्न नहीं हो रहे हैं उसे सुन सकता है, तो इससे भी काफी हद तक उसे हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को लर्न करने में। यदि आप काइनेस्थेटिक मेमोरी है, तो उस स्टूडेंट को लाइक टू गिव इट ए ट्राई एंड वर्क इट आउट, उसे हर चीज को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, उसका आंसर आप कैसे देंगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग इज द बिग थिंग फॉर ए काइनेस्थेटिक लर्नर। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी कि कैसे आप साइकोलॉजिकल अपनी साइकोलॉजिकल नेचर को समझें, ताकि आप अपनी लर्निंग स्टाइल को समझें, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक ध्यान रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।